अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट विद सेंटेंस फ्लोचार्ट एंड एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सी और सी प्लस प्लस इफ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू डिसाइड वेदर अ सर्टन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट बेस्ड ऑन अ सर्टन टाइप ऑफ कंडीशन। यानी जो हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है वो एक सिंपलेस्ट टाइप की एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है और इसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक सर्टन स्टेटमेंट है या एक सर्टन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है तो उसको अगर हमने एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, तो वो डिपेंड करता है इफ स्टेटमेंट की कंडीशन पे। अब कैसे कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन होती है। येलो कलर में यहाँ पे इसको बैकग्राउंड इसका कलर चेंज किया गया है, इफ़ कंडीशन। अब हमारे पास अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ऊपर 3A में बताया गया है कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो जो नीचे इसकी बॉडी है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। कंट्रोल हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होने की सूरत में बॉडी ऑफ द इफ़ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर पोर्शन है वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, तब क्या होगा, कंट्रोल ऊपर 3B की तरफ जाएगा और जब वो कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ लूप की तरफ नहीं जाएगा और वो एग्ज़िट कर जाएगा तो स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ़, जो स्टेटमेंट इफ के लूप की बॉडी के बाहर हैं वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। मज़ीद इसको समझते हैं, इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोल फॉल्स इनटू द इफ़ ब्लॉक। सबसे पहले इफ़ ब्लॉक की तरफ कंट्रोल जाएगा, द फ्लो जंप्स टू कंडीशन। इफ़ के बाद उसके अंदर जो कंडीशन है वो उसको चेक करेगा और कंडीशन को टेस्ट करने के बाद दो उसके पास रास्ते होंगे, इफ़ कंडीशन यील्ड्स ट्रू गो टू स्टेप 4, इफ़ कंडीशन यील्ड फॉल गो टू स्टेप 5। यानी अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो हम जो है वो ट्रू वाले पोर्शन में बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और अगर हमारे पास जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। द इफ़ ब्लॉक आर द बॉडी इनसाइड द इफ़ इज़ एग्जीक्यूटेड फ्लो स्टेप्स आउट ऑफ द इफ़ ब्लॉक। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो जो बॉडी वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर जो है वो फाइनली क्या होगा, फ्लो स्टेप्स आउट ऑफ द ब्लॉक और इफ़ में से जो इसका कंट्रोल है वो एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो सबसे पहले है इफ़ कंडीशन, फिर इसकी कर्ली ब्रेसेस हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंडीशन इज़ ट्रू, तो जो इसकी ट्रू वाला पोर्शन होता है फिर वो एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन डायमंड शेप के अंदर हमेशा एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। डायमंड शेप रिप्रेजेंट कंडीशन पोर्शन। अब कंडीशन जो है उसको चेक किया जाएगा, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल कहाँ शिफ्ट होगा, बॉडी ऑफ इफ पे। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कंट्रोल शिफ्ट होगा बॉडी ऑफ इफ पे और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, नीचे स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम यहाँ पे एक सी प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h, देन मेन का फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है। अब मेन के फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है int i इज़ इक्वल्स टू 10। वेरिएबल क्या है, int i इज़ इक्वल्स टू 10। अब कंडीशन क्या है, इफ़ i लेस देन 15, यानी 10 इज़ लेस देन 15, इज़ दैट ट्रू, येस दैट इज़ ट्रू, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। तो प्रिंट एफ 10 इज़ लेस देन 15, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 10 इज़ लेस देन 15, देन स्लैश एन। स्लैश एन क्या करेगा, उसका कंट्रोल नीचे ले जाएगा, स्लैश एन उसका कंट्रोल नीचे ले जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। और फिर अगली जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट बॉडी से बाहर निकल के, इसकी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट क्या है, आई एम नॉट इन इफ़, तो वो भी साथ प्रिंट हो जाएगा। यानी ट्रू कंडीशन की सूरत में जो है वो ट्रू वाला पोर्शन जो कंडीशन के फ़ौरन बाद होगा वो एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट स्क्रीन पे शो होगा और फिर बॉडी से बाहर निकल के जो कुछ उसको नजर आएगा वो उसको भी साथ प्रिंट कर देगा। अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट लास्ट में देखें तो 10 इज़ लेस देन 15 एंड नेक्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है आई एम नॉट इन इफ़। अगर इसका सेकंड प्रोग्राम हम देखें, इसमें भी अगेन हमारे पास हेडर फाइल है, मेन का फंक्शन है, मेन के फंक्शन के अंदर अगेन हमारे पास जो वेरिएबल है वो है int i इज़ इक्वल्स टू 10। इफ़ आप कंडीशन देखें,
इफ़ आई ग्रेटर देन 15, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 15, नो फॉल्स हो जाती है यहाँ पे हमारे पास कंडीशन 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 15। और प्रिंट एफ के जो इसमें स्टेटमेंट है उसमें है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 15, तो हमारे पास तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, बल्कि वो बॉडी से बाहर निकल के जो कुछ उसको नज़र आएगा वो प्रिंट करवा देगा। अब बाहर उसको क्या नज़र आया है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एक नज़र आई है और उसके अंदर लिखा हुआ है आई एम नॉट इन इफ़, तो वो इस चीज़ को आउटपुट पे शो करवा देगा। अब कंडीशन क्योंकि फॉल्स थी तो वो बॉडी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि उसने बॉडी से निकल कर उसको जो कुछ नज़र आया उसने वो प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह हमारे पास ये इफ़ स्टेटमेंट होती है, बहुत ही एक सिंपल बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है नसीब प्रोग्राम का वो इफ़ स्टेटमेंट का है। तो होप्स हो कि इस लेक्चर में आपने इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक एंड सी एस डिपार्टमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।